नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अपने नए वीडियो में आस्क ऑटोगुरु यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी दिनों पहले मेरे को एक सवाल पूछा गया था WWE लवर्स इस सब्सक्राइबर्स द्वारा। तो सवाल ये है कि DTSI टेक्नोलॉजी वाकई इंजन को, यानी कि जो बजाज की ये DTSI टेक्नोलॉजी है, ये वाकई अपना काम बखूबी निभाती है या फिर सिर्फ हवाबाजी है। साथ ही मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, उनसे यानी कि आप सभी लोगों से संडे कमेंट बॉक्स में, कि मैं इसके साथ I3S टेक्नोलॉजी और जो होंडा की HET टेक्नोलॉजी है उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए बारी बारी से समझते हैं कि इन तीनों टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है और इन तीनों का मतलब क्या है और इन तीनों का फंक्शन क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकली एप्लीकेशन इस टेक्नोलॉजी में है, इन तीनों ही टेक्नोलॉजी में। मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने का ट्राई करूँगा, जिससे कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए कि इन तीनों ही टेक्नोलॉजी का काम क्या है, इन्हें क्यों डेवलप करी गई है। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं बजाज की DTSI टेक्नोलॉजी। DTSI का अगर लॉन्ग फॉर्म देखा जाए, यानी कि पूरा नाम देखा जाए, तो डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशियन होता है। यानी दो स्पार्क का यूज करके आप इग्निशियन प्रोवाइड करते हैं इंजन को। हमारे इंजन में मुख्य चार स्ट्रोक होते हैं, तभी हम कहते हैं कि 4 स्ट्रोक की गाड़ी है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर स्ट्रोक। अब ये सिलेंडर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर लेकर जाता है और उसे जलाने का काम करता है स्पार्क। जब पिस्टन आपका अप और डाउन होता है और आपका जो ये स्पार्क, मतलब सिंगल स्पार्क जो होता है, स्पार्क्स के नाम से ही पता चल जाता है कि ये जलाने का काम करता है, ये आपका बर्न करने का काम करता है। एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर अंदर जाता है सिलेंडर के अंदर, तो वहाँ पर सिंगल स्पार्क प्लग जितना अच्छे से जो है वो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे बर्न नहीं कर पाता, उतना अच्छा ड्यूअल स्पार्क जो होता है वो कर लेता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जो होते हैं अंदर, वो काफ़ी अच्छे से बर्न करके गाड़ी को बूस्ट करता है, पावर दिलाता है। बेहतर जानकारी के लिए, यानी कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप जैसे स्क्रीन पर एनिमेशन देख रहे हो, तो इस एनिमेशन में साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि सिंगल स्पार्क प्लग जितना अच्छा काम नहीं कर पाता उतना डबल स्पार्क प्लग कर लेता है। इससे होता यह है कि आपकी माइलेज इफिशियंसी काफ़ी अच्छी बढ़ती है और जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से जो अनबर्न, यानी कि थोड़ा बहुत कम जला हुआ फ्यूल जो मिक्सचर होता है वो बाहर निकलता है, तो वो वाली चीज़ नहीं होती है, अच्छे से बर्न होता है। दो स्पार्क प्लग मिलके ये अंदर का एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो काफ़ी अच्छे से बर्न करता है और इसके बाद आपकी गाड़ी को पावर काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही इसके फायदे भी जान लेते हैं। तो DTSI टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं वो, इसमें आपको पावर तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। 100% यूज होता है फ्यूल का। कुछ गाड़ियाँ होती है जिनमें फ्यूल अच्छी तरह से नहीं जल पाता और आपको साइलेंसर पे अंदर से जब आप उंगली घुमाते हो तो वहाँ पर ऑयली ज़्यादा दिखने को मिल जाता है और साथ ही वहाँ पर जो एक तरह का लेयर होता है वो भी दिख जाता है। तो वो वाली चीज़ें बजाज की गाड़ी में नहीं होती है, ख़ास तौर पर उन गाड़ियों में जहाँ पर DTSI टेक्नोलॉजी फिक्स करी गई है। अब आइए बढ़ते हैं अगली टेक्नोलॉजी पे, वो टेक्नोलॉजी है HET। होंडा द्वारा डेवलप करी गई इस टेक्नोलॉजी का भी कुछ हद तक यही काम है जैसे DTSI टेक्नोलॉजी का है। जैसे मैंने कहा, होंडा की HET टेक्नोलॉजी को पूरा जो नाम है वो है होंडा इको टेक्नोलॉजी। इसके आम तौर पर तीन काम हैं, मुख्य काम एक है कंबशन इम्प्रूव, दूसरा इंजन के अंदर फ्रिक्शन कम से कम करना और तीसरा है वो है ट्रांसमिशन में ऑप्टिमाइजेशन करना, जिससे माइलेज काफ़ी ज़्यादा मिलगी। अब बाकी गाड़ियों की तरह होंडा के इंजन में क्रैंकशाफ्ट सीधा नहीं रहता, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, तो ये ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट जो आप देख रहे हो वो फ्रिक्शन लेस कराता है और सीधा सीधा माइलेज पे असर डालता है, यानी कि आपका आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा दिलाता है। तो जैसे बाकी गाड़ियों में टेढ़ा क्रैंकशाफ्ट होता है वो यहाँ पर होंडा की गाड़ी में नहीं होता है, ये बिल्कुल सीधा होता है और इससे फ्रिक्शन भी कम होता है और पावर आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मैंने यहां पर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है, फिर भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, इंस्टा पर फॉलो करके वहां पर भी पूछ सकते हो। आइए बढ़ते हैं अगली टेक्नोलॉजी पे और वो है I3S टेक्नोलॉजी जो हीरो द्वारा डेवलप करी गई है। इसमें वैसे ज्यादा जानने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटी तौर पर अगर मैं बताऊं तो जब आपकी गाड़ी चलती है एक सर्टन स्पीड पर चलती जाती है, सपोज एक ट्रैफिक है या फिर सिग्नल आ गया, तो वहां
पर कुछ सेकंड्स में आपकी गाड़ी जो है अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही सिग्नल चूकता है यानी कि आपको अभी गाड़ी चलानी है ऐसा लगता है, तो वहाँ पर आप सिर्फ क्लच दबा के इस गाड़ी को चालू कर सकते हो। तो इससे ये ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन इसमें है, तो इससे होता यह है कि आपकी गाड़ी की जो फ्यूल इफिशियंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, बढ़ जाती है यानी कि। तो इस हद तक इस टेक्नोलॉजी का काम है जिसे I3S टेक्नोलॉजी कही जाती है। DTSI टेक्नोलॉजी, HET टेक्नोलॉजी और I3S टेक्नोलॉजी, इन तीनों का ही काम एक ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना, और दूसरा काम है कि आपकी जो गाड़ी है उसमें फ्यूल की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी बना के रखना। इतिहास में सबसे पहले DTSI टेक्नोलॉजी बजाज द्वारा डेवलप करी गई और ये उनका पेटेंट भी है। HET भी होंडा की पेटेंट है और I3S भी हीरो की पेटेंट है। सब लोगों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है और सब लोगों ने अपने अपने नाम पर इसे पेटेंट करके रखा है। पेटेंट का मतलब होता है कि इसे सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी यूज कर सकती है जिसने इसका निर्माण किया है, जिसने इसे खोजा है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।